हेलो दोस्तों, कैसा है? हम हैं अपना के राकेश कुमार, अपना देखें राकेश कुमार रावत ब्लॉग्स। चलिए आज हम अपना पछिका एमपी की सबसे बड़ी सुरंगों में से एक, जो कि रीवा ज़िले में है, रीवा ज़िले से 35 किलोमीटर दूर मोहनिया गांव है, वहां पर बनी हुई है। ये देखिए, अब हम लोग लगभग पहुँचने वाले हैं। तो ओखर सुरंग के नाम है रीवा सीधी मोहनिया घाटी टनल, जो कि 1 2 3 3 लेन इधर है, 3 लेन उधर है। तो यानी कि यह बहुत ही हर जगह चप्पे चप्पे पर कैमरा लगा हुआ है यहाँ पर। तो यह मतलब है आपका यह 25 मिनट समय बचाता है। पहले हम लोग पहाड़ से गुजर कर चढ़ते थे पहाड़, फिर घाट उतरते थे, वहाँ से होते हुए यानी कि करीबन 35 मिनट समय बचाता है और 15 मिनट का दूरी कम करता है। अब यह कम से कम 3.5 किलोमीटर लंबी सुरंग है। देखिए, यहाँ 24 घंटों लाइट बनी हुई है और कैमरा से यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी की जाती है। ये देखिए, जैसे अपन लोग इधर से गए, मन हुआ कि यहीं से वापस हो जाएं, यानी कि वो कटिंग जो दी गई है वहाँ से अपन लोग को पुनः लौटा जा सकता है वापस है। ये देखिए, एक भी वीडियो नहीं कट किया हूँ, गाड़ी से जा रहा हूँ, बताइए इतना समय लगता है। अब ये देखिए, अब लगभग हम लोग बाहर निकलने ही वाले हैं। तो अपना पचे कहाँ से आए, रीवा सीधी सतना वाले हुई, तो एक बार लाइक कमेंट करके चैनल का सब्सक्राइब जरूर कर दी और शेयर करी। ये देखिए, ये कि कट इधर भी आ गया है, यानी कि कम से कम इसमें इस पार से उस पार 2-3 4 मिनट से कम से कम समय लगता है। आप चाहे 70 की स्पीड में जाइए कि 80 की स्पीड में जाइए। ये देखिए, अब हम लोग बाहर निकल गए हैं। ये टनल नंबर 1 हो गई और बने रहिएगा दोस्तों, आप लोगों को अब सीधी साइड से भी आपको दिखाते चलता हूँ टनल 2 किस तरह से बनी हुई है। तो एक थे जल्दी जल्दी अपना पचल लाइक करी, कमेंट करी, सब्सक्राइब करी। ये चलिए, हम शाम का समय है और हम लोग जा रहे हैं, यह बस भी एक जा रही है। अब हम लोग सीधी से रिटर्न हो रहे थे तो सोचे कि इसको ब्लॉक पूरा ही कर दूँ आपके लिए। सीधी से भी समथिंग दोस्तों 35 किलोमीटर ही पड़ता है, यानी रीवा सीधी का सेंटर मान लीजिए। ये देखिए, यहाँ पर दोस्तों ऐसा नहर भी है कि जिससे नहर गुजरती है, अंडरग्राउंड ही है। तो यह दोस्तों मतलब मध्य प्रदेश का बहुत ही बड़ी सुरंगों में से और बहुत ही व्यापक पैमाने पर बनी हुई सुरंग है, जो कि आप लोग को यहाँ पर आना चाहिए एक बार, यानी कि यह पर्यटन स्थल भी बन चुका है। तो आप लोग पहले ये कमेंट करिए कि आप लोग किस शहर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। ये देखिए, एक और कट आ गया है, इसमें मैंने कोई कट नहीं किया है, इस पार से उस पार लगातार वीडियो ही बना रहा हूँ। देखिए, आप लोग समझ सकते हैं कितना समय लगता है। गाड़ी भी अपनी अच्छी खासी स्पीड से मेंटेन है, यानी कि 70-75-80 में ही चल रही है। तो भी देखिए कितना समय दोस्तों लग रहा है। यह सुरंग में दोस्तों आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ कि 100 से ज़्यादा कैमरे भी लगे हुए हैं, सुरक्षा के दृष्टि से पुलिस चौकी भी बनी हुई है, जो कि सदैव आपके सहायता के लिए तत्पर रहती है। तो ये बताइए दोस्तों, रीवा से कौन कौन है, सतना से कौन कौन देख रहे हैं, और सीधी वाले भी कमेंट करिए। और आप लोग इंडिया के किसी भी कोने से देख रहे हो तो एक कमेंट जरूर करिए, जिससे पता चले कि मेरी वीडियो कहां तक जा चुकी है। अब ये दोस्तों, अब हम लोग लगभग बाहर निकलने वाले हैं। नेक्स्ट ब्लॉग आप लोगों के लिए मैं सीधी शहर का बना दूंगा, जो कि बहुत ही सुंदर शहर है,
बघेल खंड यानी कि बिंध का। तो अपना बचे इतना वीडियो हमारा दिखा तो हमका बहुत निकाह लाग अपन अपने परिवार वाले के ख्याल रखब। ओके थैंक यू एट लाइक कमेंट करके चैनल का सब्सक्राइब जरूर करिए। अरे देखिए आगे सोलर प्लांट भी है, एशिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, उसका भी वीडियो बना दूंगा। ओके थैंक यू बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।